Hey, hi, what's up guys? So, आज हम देखेंगे कि how to crack the GATE exam. GATE stands for graduate aptitude test for engineering. So भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं इंजीनियर्स कि जिन्हें जो कि हालांकि लास्ट ईयर्स में हैं या फिर कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिनके लिए जस्ट कोई या कुछ एमएनसी या ऐसे जस्ट दिखाने के लिए कि भाई बंदा गेट एग्जाम पास है या गेट क्लियर है, या कि जो फोर्थ ईयर में होते हैं यानी कि लास्ट ईयर में होते हैं जो स्टूडेंट्स, और उन्हें जस्ट गेट एग्जाम पास करनी है कि जस्ट दिखाने के लिए कि एक एज एन अप्रूवल या एज अ गुड इम्प्रेशन. तो भाई ये वीडियो उनके लिए कि जिन्हें जस्ट गेट पास करना है. तो भाई देखिए, गेट जस्ट पास करने के लिए दो बातें. गेट का पैटर्न समझ लीजिएगा, 70% होगा 100 मार्क का एग्जाम है, यानी कि आपका 30 का हो गया मैथ्स एंड आपका एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन. अब देखिए, 15 मार्क का मैथ्स है. अब इंजीनियरिंग चाहे कैसे भी की हो, 2-4 KT के साथ भी क्यों ना क्यों हो, हर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट का मैथ्स तो अच्छा होता ही है. ठीक है, तो आप एक कीजिए कि जितने मैथ्स के टॉपिक है, कौन से टॉपिक कवर्स हो रहे हैं, यानी कि आपका जैसे भी है. अब ये देखिए कि सिविल या मैकेनिकल, इसी इलेक्ट्रिकल का, हर एक का मैथ्स का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से टॉपिक है. अब टॉपिक सेम ही होते हैं, यानी टॉपिक या कॉन्सेप्ट लीजिए सेम ही होते हैं, जस्ट क्वेश्चन चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट हर बार रिपीट होते हैं. तो ये कर लीजिएगा कि पास जितने हैं इसके एग्जाम के पेपर मिल रहे हैं उनके विद सॉल्यूशन मैथ्स के लीजिए और सारे के सारे कॉन्सेप्ट के सम्स कर दीजिएगा. तो यानी ये बात तो डेफिनेटली सही हो गई कि इनमें से अगर कोई आता है तो आपका बनता ही है सम, यानी वो 15 मार्क्स निकले. अब रहा आपका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में जस्ट देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. प्रीवियस 10 साल, 20 साल, 25 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए सारे टाइप के, और देख लीजिए एप्टीट्यूड का तो सभी का सेम ही होता है, यानी ये बार का वैरी नहीं होता कि ये इसका है या उसका है. तो सारे ही ब्रांच के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देख लीजिए, यानी आपको जनरलाइज एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा इस टाइप के एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन आते हैं, या एवरेज है, परसेंटेज है, वर्क टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अब उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा. से फॉर एग्जाम्पल 15 नहीं आए, 15 में से आपके 12 भी आ गए, तो भी ऑन एन एवरेज आपका 25 से अप तो चला ही जाता है. अब एक बार आपका 25 से अप चला गया, अब आप ये अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी गेट पास हो जानी है. अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है तो अब ये जनरल वाले बंदों की चीज़ की जिनका हाई कंपटीशन होता है. तो अब ये कीजिए कि इंजीनियरिंग में कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको पसंद होगा और गेट के सिलेबस में कॉमन है, तो जस्ट डू वन थिंग कि उसमें से गेट में हर बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें हाईएस्ट क्वेश्चन आते ही है. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो प्रोडक्शन में कास्टिंग से क्वेश्चन आना ही आना है, बनता ही है क्वेश्चन उससे. तो उस टाइप के सम देखिए कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट और जिसका वेटेज भी ज़्यादा है. और एक देख लीजिए, वेटेज ये मेन पॉइंट है, अच्छा लगता हो ना लगता हो छोड़िए उसका, क्योंकि क्रैक करना मेन थिंग है, तो फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, है कि नहीं. तो फिर एक देख लीजिए कि उसमें ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट या ऐसा चैप्टर होगा जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. तो एक काम कीजिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट यानी प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिए किस टाइप से आते हैं, तो उस टाइप के सारे सम्स या प्रीवियस गेट में जितने भी सम्स आए हैं उतने सारे सम सॉल्व कर लीजिए दो दो तीन तीन बार, बस हो गई भाई. अब उसमें से एक टाइप का सम आता है तो आ ही जाएगा. अब ऑन एन एवरेज इतना अगर आपने 50 मार्क्स का राइट अटेम्प्ट किया है तो उसमें से 52 मान लीजिए 40 to 45 मार्क्स का आपने भी सही अटेम्प्ट किया है, तो उसमें से इतना तो बन ही जाएगा कि 100% कि आपका गेट क्रैक हो जाए. सो दैट इज इट. तो ये था कि हाउ टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. एंड आपके जो भी कोई फ्रेंड्स हैं जो गेट क्रैक करना चाहते हैं, या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वगैरह, इनके साथ शेयर कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय.